ये देखो दोस्तों, मेरे नाश्ते में है मेथी का पराठा, गोभी का सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, और इधर मेरा सलाद हो गया। तो खाते हैं अभी ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुका है। और ये इधर रोटी बना रही है, तब तक मैं खा लेता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन सबका अच्छा है। एंड देन हम लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। मेरे ब्रेकफास्ट में है मेथी का पराठा और पत्ता गोभी आलू मटर का सब्जी। ये देखिए, मेरा रोटी लगभग पक ही गया है। ये देख सकते हैं पक गया। अब इसमें हम घी डालेंगे। ये देखिए घी डाल चुके हैं। अब अपोजिट साइड घी डालेंगे। ये देखिए गाना कम गाइए, गाना ज्यादा गाइए, सुबह सुबह भक्ति गाना गाइए। ये देख सकते हैं मेरा मेथी पराठा बिल्कुल रेडी है, एकदम गर्मा गर्म। मेथी का पराठा गर्मा गर्म। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह मैं नहा धो के एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। इतना ठंडे ठंडे मौसम में कितनी ठंडी लग रही है भैया, ठंडी बहुत है। और मेरी वाइफ नाश्ता वास्ता रेडी करके रखी हुई है। पता नहीं नाश्ता में क्या बनाई है, देखते हैं क्या बनाई है। क्या बनाई नाश्ते में? मेथी का पराठा। अच्छा, और सब्जी है। मतलब हमारे अभी ब्रेकफास्ट में बना हुआ मेथी का पराठा और सब्जी है। सब्जी में है मेरा पत्ता गोभी और आलू, आलू पत्ता गोभी का सब्जी है। तो अभी खाते हैं सुबह सुबह, फिर देखते हैं मेरा आगे कहाँ। ठीक है, जल्दी से लगाओ, भूख भी बढ़ रहा है, क्योंकि उसके बाद हमको अपना भी काम करना है। क्या? तो जल्दी से लगा दो, उसके बाद चलते हैं अपने काम पे, है ना? तो लगाओ जल्दी से, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है नहीं करना है। ये देखो दोस्तों, मेरे नाश्ते में है मेथी का पराठा, गोभी का सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, और इधर मेरा सलाद हो गया। तो खाते हैं अभी ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुका है। और ये इधर रोटी बना रही है, तब तक मैं खा लेता हूँ। और फाइनली दोस्तों, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, एकदम खा लिया हूँ, पेट वेट भर गया है। अभी निकलता हूँ, मेरा नाश्ता वास्ता हो गया, अभी निकलता हूँ ऑफिस के लिए। फिर देखते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा जाता है कैसा नहीं। क्या? तो अभी निकलते हैं, रेडी होते हो ऑफिस के लिए। टाइम भी मेरा ओवर हो रहा है, तो जल्दी जल्दी एकदम तैयार होंगे, उसके बाद जल्दी से निकल जाएंगे, तो फिर लेट हो जाएगा मेरा काफ़ी। क्या? हेलो फ्रेंड्स, हम लोग नहा लिए हैं, नहा धोवा के कपड़ा धो ली। अब हम चलते हैं छत, छत में कुछ कपड़ा पसारना है, क्योंकि मौसम भी आज धूप नहीं निकला लेकिन मौसम फ्रेश है। तो हम छत चलते हैं, छत में हम कपड़ा पसारते हैं। तो मेरे ब्लॉग पे बनी रही है। लगभग हम सारा कपड़ा पसार लिए हैं और आज का मौसम भी बहुत ये कुहासा कुहासा ही है। देख रहे हैं मौसम, वहाँ एक बिल्डिंग दिखता था वो अभी दिख नहीं रहा है। चारों तरफ पूरा कुहासा कुहासा है। फिलहाल मेरा काम हो चुका है, अब हम चलते हैं नीचे रूम पे, कि बाहर बहुत ठंड हवा चल रहा है और ठंड भी लग रहा है। चलते हैं नीचे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी शाम हो चुका है, मतलब रात हो चुका है, मतलब रात के 7:30 बज रहा है। तो काफ़ी देर हो चुका है, तो हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिए हैं। एंड देन अभी हम लोग चलते हैं खाना बनाने के लिए। खाना में हमारे पास है आलू का पराठा एंड उसके साथ दही और अचार। आज हम लोग आलू का पराठा बना रहे हैं। आलू बॉयल हो चुका है, उसका मसाला भी हम लोग बना लिए। अब आलू भरते हैं। चलिए, आज हम लोग का आलू का पराठा बन रहा है, पता है? आलू का पराठा, यस, आलू का पराठा बनने वाला है ना। आप ही ऑर्डर देके गए थे आलू का पराठा बनाने के लिए, मैं इसीलिए, क्योंकि दही भी था ना, तो हमने सोचा आलू का पराठा और दही के साथ, तो आलू का पराठा और दही ना हो ऐसा इम्पॉसिबल। एकदम खाने में मस्त मस्त, एकदम टेस्टी आ जाएगा ना, जबरदस्त खाने में। तो फिर रात के खाने में हम लोग का बन रहा है आलू का पराठा।
एकदम टेस्टी टेस्टी वाला क्या एकदम। तभी हम लोग प्रोसेस कर रही है आलू आलू पराठा बनाने की, आलू भर रही हूं। हाँ आलू भर रहा है अंदर में, उसके बाद हम लोग पकाएंगे फिर आराम से खाएंगे, है ना। मेरा आलू का पराठा बनके रेडी हो रहा है, ये लास्ट दो बचा था तो सोच रहे वीडियो आपके साथ शेयर कर देते, तो वरना डाइट खाने का टाइम शेयर करते, लेकिन चलो लास्ट टाइम में शेयर करते। ये मेरा आलू का पराठा बनके बस दो बाकी है। ये रहा आलू का पराठा, इसको हम चारों तरफ से घी लगा देंगे। ये देखिए ये देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है, एकदम पका है बहुत अच्छे से। ये देखिए ये लास्ट रोटी है, फटाफट बना लेते हैं, पका लेते हैं, उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करते हैं, उसके बाद खा। फाइनली दोस्तों हम लोगों का खाना लग चुका है, बिल्कुल मस्त वाला, एकदम एकदम टेस्टी टेस्टी। अभी रोटी निकाल रहे हैं, कितना रोटी दे आपको, दो दो ही तो अभी। दो ही दो, दो ही दो है सब, दो ही दो है। तो फिलहाल हमने रोटी निकाल लिया गर्मा गर्म एकदम, अभी पुसो आई थी। ये रहा अचार, प्याज और आलू थोड़ा सा बच गया था, तो हम लोग इसके साथ थोड़ा टेस्ट कर लेंगे, अच्छा लगेगा क्या नहीं। ये देखिए, ये देखिए मेरा आलू का पराठा, ये आलू का चोखा है, ये अचार है, प्याज हो गया, और हम लोग खाने जाएंगे इसको। चलिए खाते हैं, खाओ। फिलहाल हम लोग खा रहे हैं, खास्ता बना है। हाँ, वही बात है। तो ओके दोस्तों अभी खा लेते हैं, खाने में कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, खा लीजिए। फाइनली दोस्तों हम लोग का खाना पीना हो चुका है, और हम लोग खाना खाने के टाइम एंडिंग नहीं कर पाए थे क्या? यस, क्योंकि उस टाइम थोड़ा काम था हम लोग का, इसीलिए नहीं किए थे। नहीं, कोई खाना खाने में हम लोग बिजी हो गए थे, जो बात है क्लियर। अच्छा जो बात है क्लियर है, सीधी बात, नो बकवास। एकदम खाना खा लिए हैं, उसके बाद अभी हम लोग सोने का तैयारी करते हैं, कि नहीं। यस, तो ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।